गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय टुडेस व्लॉग। सुबह के 10 बज रहे, हम निकल गए अब बनारस घूमने के लिए। चौरासी घाटों का शहर, तीर्थों की राजधानी बनारस। 3000 सालों पुराने आबाद इस शहर के पहले संगम में वरुणा और दूसरे संगम में 80 नदी का मेल होता है, इसलिए इसे चौरासी घाटों का शहर वाराणसी कहा जाता है। इस शहर के अनेक नाम हैं, बनारस, वाराणसी, काशी और आनंदवन। कबीरदास, तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद और उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली बनारस। इस पवित्र नगरी में आज हमारी पहली सुबह है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, और आज दिन कितना परफेक्ट है जाने के लिए। आज है भी मंगलवार, हनुमान जी का दिन, और हम सबसे पहले अपनी बनारस के शुरुआत कर रहे हैं हनुमान जी के मंदिर से। मैंने पूरी माला वाला खरीद कर पहन ली है, अब फील आ रही है कि मंदिर जा रहे हैं। संकट मोचन हनुमान मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 1631 के अराउंड श्री तुलसीदास जी ने करवाया था। कहा जाता है इसी मंदिर में हनुमान जी ने तुलसीदास जी को अपने दर्शन भी दिए थे। मंदिर की प्रसिद्धता का अंदाजा यहाँ की भीड़ देखकर आपको पता चल ही गया होगा। हनुमान मंदिर में हम गए, दर्शन करके आ गए, मजा आ गया यार, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बस कैमरा लग नहीं था, इस बात का थोड़ा सा दुख था, बट कोई बात नहीं, आगे हम और आप साथ चलते हैं। गाइस, मम्मी बाबा ने चाय लिया, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो जाएगी। मम्मी इतनी ज्यादा, अरे बाप रे, इतनी चाय तो मुंह में ही अटक जाएगी। यहाँ पे हमने चाय पी, क्या मजेदार चाय थी। और ये कोई सीक्रेट मसाले से चाय बनाते हैं, जिन जिनकी चाय बड़ी मस्त बन जाती है। बहुत बड़े बड़े राजनेता आ चुके हैं, राजनाथ सिंह, दयालु गुरु, ऐसे बहुत से मिनिस्टर जो है जब भी आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, मेरे शॉप पे आते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद ही कहीं और जाते हैं। अच्छा, तो वो चाय वाले भैया थे, उन्होंने हमें भेज दिया है इधर कचौड़ी खाने। उन्होंने कहा यहाँ की कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट, बहुत अमेजिंग होती है, तो हम कचौड़ी खाएंगे। सुबह से हमने तो कुछ खाया नहीं, हमने यहाँ से, मैंने और आदि ने, मम्मी पापा, सुबह सुबह जब मैं ब्लॉग अपलोड कर रही थी, वहाँ पे कचौड़ियाँ ताप रहे थे। तो यहाँ भैया बना रहे हैं, जलेबी बना रहे भैया, और ये है गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। गाइस, तो ये आ गई है हमारी कचौड़ी, और ये है सब्जी, मस्त खाते हैं इसे। कैसी लगी आधी कचौड़ी और सब्जी? गाइस, ये जलेबी यार बड़ी मस्त है, मजा आ गया खा के। तो गाइस, हमने जलेबी खा तो ली, पर हम जलेबी बनाएंगे भी आज। भैया बताओ कैसे बनती है, बताओ तो, मैंने बनाई थोड़ी है। ब्रेकफास्ट इज डन, खा लिया और लोगों को खिला भी दिया। तो अब हम जा रहे हैं एक और मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, और कोशिश करेंगे वहाँ आपको भी साथ लेके चल पाए। फूल ले लिया हमने, नहीं लिया शायद, अच्छा ले लिए। दुर्गा कुंड मंदिर, इस मंदिर को आदिकालीन मंदिर माना जाता है। आदि काल में वाराणसी में सिर्फ 3 मंदिर थे, श्री काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्ण मंदिर और माँ दुर्गा मंदिर। तो आइए चलते हैं और इस पवित्र मंदिर के दर्शन करके आते हैं। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है दुर्गा माता का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। चलो, दुर्गा मंदिर के दर्शन कर लिया और आपको भी करा दिए साथ में, उस बात की मुझे ज्यादा खुशी है। तो गाइस, शाम का समय हो चुका है और हम निकल गए हैं दोबारा बनारस दर्शन के लिए। तो अब इस टाइम हम जाएंगे, सबसे पहले ललिता घाट जाएंगे और गंगा आरती देखेंगे वहाँ पे। बिना गंगा आरती देखे बनारस की यात्रा तो अधूरी है, तो इसी आरती का लुफ्त उठाने हम पहुँच गए शिव की नगरी काशी में। फिर क्या, माथे में चंदन का टीका लगा के निकल पड़े हम आरती देखने के लिए।
गाइस हम आ चुके हैं गंगा आरती देखने और यहाँ पे क्रेजी भीड़ है, लाइक इतने सारे लोग आए हैं गंगा आरती देखने के लिए एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी लाइटिंग है और आरती अभी शुरू ही होने वाली है। गाइस यहाँ पे हो रही है गंगा आरती की तैयारी। हर शाम काशी में घंटियां और डमरू की गूंज सुनाई देती है। ये काशी की गंगा आरती है जो हर शाम काशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर शाम लाखों हजारों लोग आते हैं देश विदेश से इस आरती को देखने के लिए। आरती शुरू होने से पहले घाट की सीढ़ियों को धोया जाता है और फिर 1.25 घंटे की आरती चलती है। 1991 में काशी में पहली गंगा आरती हुई थी और सबसे पहली आरती हरिद्वार में हुई थी, फिर देखते ही देखते आरती बनारस में भी शुरू होने लग गई। तो चलिए अब इस आरती का लुफ्त उठाते हैं और मैं आपको लाइव आरती दिखाती हूँ। आरती ले ली है गंगा आरती, ये आरती कर भी सकते हैं। यार हम लोग अभी भी बैठे हैं आरती का आनंद ले रहे हैं और इतना मजा आ रहा है ना, दिस इज लाइक रियली सूदिंग, सुन के इतना अच्छा लग रहा है। मेरे साथ साथ बैठे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बहुत एग्जैक्टली द वाइब जरा क्रेजी, इतने सारे लोग साथ में एंजॉय कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और मतलब मजेदार है यार। आप लोग को मेरे ब्लॉग से तो मजा आ ही रहा होगा बट रियल लाइफ में भी जरूर आना और इसका लाइव आनंद लेना। तो अब आरती का समापन होने वाला है, सब बोट्स वापस घाट की तरफ जा रही है और हमारे बोट वाले भैया हमें और घाटों में भी घुमाएंगे। तो हम इस घाट में तो घूम लिए, अब हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट जाएंगे और कौन से घाट जाएंगे और भी तो अब सारी घाट घूम के आएंगे और हम लोग तो हमेशा साथ ही घूमते हैं तो चलो और घाट घूमने चलते हैं। गाइस और ये है महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का घर एकदम घाट पर। गाइस ये है ब्रिज रामा पैलेस महाराणा राणा प्रताप सिंह का। राणा प्रताप ये सामने वाला 700-500 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है। सभी लोग प्रेम से नमस्कार करिए, बोलिए 64 योगिनी माता की जय। और अब हम आ चुके हैं गौरी केदार घाट। गाइस ये है कॉरिडोर जो मोदी जी ने बनवाया है और ये सीधा विश्वनाथ टेम्पल से कनेक्टेड है, ये ललिता घाट है और ये है मणिकर्णिका घाट। हम क्यों पड़ा है ये कण मतलब सोना, सोने में मणि जड़ा हुआ, ये माता पार्वती का खो गया स्नान करते समय, वो शंकर जी बहुत खोजवाई मिला नहीं, उस नाम से ये पड़ा हुआ है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे बाबू ये जो बॉडी जल रहा है, घर में अगर एक बाल जलेगा पूरा घर परेशान होगा कि महक रहा है। ये देखिए सत्य का प्रतीक आपके सामने है, इतनी बॉडी जल रही है जरा सा भी महक नहीं होगा। ये है हमारे शंकर भगवान का कृपा, इतनी बॉडी एक साथ जल रही है मगर वो जो है जरा सा भी महक इसमें नहीं होगा। अब घर में एक बाल जलाएंगे पूरा घर परेशान होगा कि महक रहा है महक रहा है। ये मोक्ष का जगह है बाबू, ये शंकर भगवान सभी बाडियों को यहाँ मोक्ष का तारक मंत्र देते हैं, राम नाम जपत महेशु काशी मोक्ष दे दुर्देशु, ये वो जगह है, इसीलिए यहाँ एक मिनट भी बंद नहीं होता है। वो रात में 12 बजे वो मसाननाथ का जब आरती होता है जो लगा है लगा रहेगा, जो जल रहा है वो जलता रहेगा, 2 मिनट के लिए वो केवल आरती के लिए रुकता बस उसके बाद फिर चालू। 24 घंटा बाबू 24 घंटा 1 मिनट भी बंद नहीं होगा, वो नीचे ऊपर सब पूरा
और ये है वो जगह जहाँ पर गंगा आरती होती है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो ये पापा? मछलियाँ लेकर आए हैं, मछलियों को स्वतंत्र कर रहा हूँ गंगा में। अच्छा, लोगों ने इसे बंद कर रखा था। वो देख, उन्हें मछलियाँ पानी में छोड़ दी। गाइस हम लोग आरती करके आ गए हैं, हम यहाँ पे भेलपूरी खा रहे हैं। इतनी देर से भूख लग रही है यार, बहुत इतनी ठंड लग रही थी वहाँ पे। हम लोग चार दिन से मेरी मम्मी बहुत लोल हुए इनके साथ, चार दिन से ही अयोध्या में इतनी गर्मी में स्वेटर पहन के घूम रही थी। वहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, वो बोट पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ये पतले से स्वेटर में शॉल में मम्मी की हवा टाइट हो गई भाई इतनी ठंड में। मैं और आदि तो मोटी मोटी जैकेट पहन के गए थे, बेचारे डबल पजामा जैकेट, बेचारी पतली से स्वेटर में वहाँ कांप रही थी मम्मी। Guys having some dinner and I'm gonna end today's vlog right here. So that is it for this vlog. You guys know the drill. Like, share, subscribe, press the bell icon, do whatever the best you can do. I'll see you guys tomorrow. Kal milte hain next week ke vlog ke sath. Take care, bye bye.